नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। विभाजनकारी राजनीति नहीं करती ममता बनर्जी, नेताजी के पपत्र ने भाजपा को बताई टीएमसी की बीती। सीमा विवाद बना नाक की लड़ाई, कानूनी टीम को 60 लाख रुपए प्रतिदिन देगी कर्नाटक सरकार। रॉ और आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के प्रस्ताव पर भड़के रिजिजू, बोले ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। कॉलेजियम की सिफारिश और सरकार की अदीर दलील पर बोले सौरभ किरपाल, हर जज का होता है अपना नजरिया या पक्षपात नहीं। परेड में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, मोदी बोले तहे दिल से आपका स्वागत। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी, भाई से फोन पर कहा उसके परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। रोहतक में कमरे में मिली पूरे परिवार की लाश, पति ने पत्नी का वो बेटा बेटी की नींद की गोलियां खिलाई, सोते हुए चाकू से गला काटा। सिंधल कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल को धमकी, जेल से लिखे पत्र में 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड मांगे। हाईकोर्ट ने कोलकाता सॉल्ट लेक वार में रेस्तरा में हक्के के इस्तेमाल पर लगे बैन को रद्द किया। सरकार में आने पर असम के साथ सीमा समझौता करेंगे रद्द, मेघालय चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया मैनिफेस्टो। जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने भेजा भारत जोड़ो यात्रा का न्योता, भगवंत मान के टेबल पर धूल खा रहे रिहाई की फाइल। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में बवाल, पथराव के बाद छात्रों ने निकाला मार्च, एनएसयूआई का ऐलान, देश भर में बड़े संस्थानों में दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली, जब तक क्रू ना परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। श्रद्धा केस में 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, दोस्त के घर गई श्रद्धा तो गुस्साए आफताब ने किए 35 टुकड़े। पुणे में परिवार के साथ लोगों के शव मिले, आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड का अंदेशा, रोहतक में भी परिवार के 4 सदस्य मृत मिले। लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा, हिरासत में पूर्व मंत्री का बेटा, मेरठ सपा विधायक शाहिद मंजूर के घर देर रात पहुंची पुलिस। अलीगढ़ में बालकनी से गिरकर कारोबारी की मौत, छत का निर्माण कार्य देखने गए थे, गाजियाबाद में हुआ अंतिम संस्कार। वीसी विनय पाठक के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, उनकी तस्वीर पर नोटों की माला पहनाई गई, गंगा में विसर्जित करेंगे पाठक की खड़ाऊं। मेरठ में बसपा नेता की फॉर्चूनर से पिस्टल कारतूस बरामद, एसएसपी ऑफिस से बाहर खड़ी थी कार। रायबरेली गोवंश के हमले से किशोर की मौत, ग्रामीणों व परिजनों ने शव को लेकर प्रदर्शन किया, सरकार से मुआवजे की मांग की।
बिना पिस्टल लौटे दरोगा सस्पेंड प्रयागराज के करबला पुलिस चौकी इंचार्ज जगनारायण सिंह 3 दिन से लापता थी। शाहजहांपुर में सपा नेता के निर्मम हत्या का मामला छत से जीने से लेकर दरवाजे की कुंडी पर लगा था खून। सीतापुर में फिल्म पठान की रिलीज को लेकर पुलिस अलर्ट, एसएम सिनेमा हॉल पर पीएससी का रहेगा पहरा। सुल्तानपुर में 12 साल का बच्चा लापता मामा के घर पर रहता था, मोबाइल देखने पर फटकार लगाने से था नाराज। इटावा के सिनेमा घरों में रिलीज होंगे फिल्म पठान, मल्टीप्लेक्स संचालकों ने पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। हरदोई में विरोध का अनोखा तरीका, घोड़े पर अराजक तत्वों ने लगाया पोस्टर, लिखा मैं हूं जिला पंचायत राज अधिकारी। शाहजहांपुर में रुपए मांगने का वीडियो बनाने से भड़के पुलिसकर्मी, सिपाही दौड़ाता रहा, युवक ने सिपाही का बना लिया वीडियो। सिटी बसों में सफर करना हुआ महंगा, सिटी ट्रांसपोर्ट की बोर्ड बैठक में मंडलायुक्त ने दी स्वीकृति, 5-5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, सामान लेने बाजार जा रहा था, बदमाशों ने रास्ते में रोककर सिर में किया फायर। मौर्य के बाद एक और सपा नेता का विवादित बयान, ब्रजेश प्रजापति बोले रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां। रेलवे ई टिकट बेचने वाले 3 गिरफ्तार, सहारनपुर में जनसेवा केंद्र में एजेंट बना रहे थे फर्जी टिकट। प्रशासन ने सत्याग्रही किसानों का आंदोलन कराया खत्म, मथुरा में चल रहा था 18 दिन से आंदोलन। आईजी रेंज लखनऊ ने लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की, कहा मुकदमों का तय समय पर निस्तारण करें। दिल्ली एनसीआर का वाहन चोर कासिम गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने पकड़ा, डिमांड पर चोरी करता था गाड़ी। गोंडा में खेत पर गई 4 लड़कियां लापता, परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस और एसओजी टीम की तलाश में जुटी है। कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी में लगी आग, मुरादाबाद में बुद्ध बाजार इलाके में आग, लपटों से घिरी कार देकर सहमे लोग। अमेठी में हादसे में बच्ची की मौत, परिजनों ने कोतवाली पर शव रख कर किया प्रदर्शन, बोले एसएचओ ने डांट खाकर भगाया। एक्शन मोड में नोएडा पुलिस, एक दिन में किया 3रा एनकाउंटर, 2 बदमाशों के लगी गोली, 16 मुकदमे हैं दर्ज। चित्रकूट में भ्रष्टाचार की जांच को पहुंची टीम, तथ्य जुटाकर शासन को सौंपेगी रिपोर्ट, सदर विधायक ने शासन से की थी शिकायत। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बोले धार्मिक किताब की तौहीन करना जुर्म के बराबर है। लखनऊ में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 12 घंटे से रेस्क्यू, छत काट कर 14 लोगों को निकाला गया, अंदर फंसे लोगों को दी जा रही ऑक्सीजन।
किसान पर गिरी हाई टेंशन लाइन, मौके पर हुई मौत, तेज धमाके के साथ लगी 11,000 लाइन के नीचे कर रहा था काम। जेल से छूटे अपराधी को बदमाशों ने मारी गोली, वाराणसी में पत्नी को कार से छोड़कर लौट रहा था, ठेके पर रोकी थी कार। पूर्व विधायक और लखनऊ एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, बीजेपी नेता राकेश सिंह को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर किया गया मैसेज। काशीपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, धरने पर बैठे गुस्साए ग्रामीण, अफसरों ने दिया नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आई दरारों से चिंतित शहर के लोग, विस्तृत भूभागीय सर्वेक्षण कराएगी धामी सरकार। जोशीमठ में आई आपदा ने होटल, बैसाई और दुकानदारों की तोड़ी कमर, नहीं चुका पा रहे ईएमआई। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, देहरादून में झमाझम बारिश, चोटियों पर बर्फबारी। लड़कियों को देख स्टंट करना पड़ा भारी, यूट्यूबर गिरफ्तार, हो सकता है 3 लाख तक का जुर्माना। उत्तराखंड के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप के झटके से बागेश्वर की धरती डोली। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में युवती की मौत, 3 युवक घायल। उधम सिंह नगर में स्कूली बच्चों में जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन से ज्यादा छात्र चोटिल, 2 टीचर भी घायल। अगले 24 घंटे भारी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट, कई जगहों पर भारी बारिश के साथ भूस्खलन की संभावना। बद्रीनाथ यात्रा पर संकर, आईआईटी रुड़की, 1 हफ्ते में बताएगा हेलंग बाईपास बनेगा या नहीं। फरवरी में जोशीमठ में आएंगे राहुल गांधी, गरमाई सियासत, भाजपा ने कहा द्वारा चरित्र दिखा रही है कांग्रेस। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने किया साफ, कहा चारधाम यात्रा नहीं होगी प्रभावित, पहले की तरह की जाएगी संचालित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया बेटियों का सम्मान, कहा निडर होकर आगे बढ़े और सपनों को साकार करें। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के साथ पड़े ओले, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुट साहिब में हुई बर्फबारी। उत्तराखंड के किच्छा तहसील में विजिलेंस का छापा, कानून को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। उत्तराखंड में बेवफाई के शक में पति ने उजाड़ दिया अपना परिवार, पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस हिमकिस, गवर्नर जनरल के शपथ दिलाई, 2008 में पहली बार सांसद चुने गए थे। ब्रिटेन में चीनी एलईडी लाइट्स के जरिए जासूसी, लैपटॉप, फ्रिज जैसे घरेलू सामान से भी जानकारी हासिल कर रहा चीन।
इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ईरान पर हमले की तैयारी भड़केगा। भारत ने G20 बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भेजा न्योता, अहमद शहबाज शरीफ ने की थी सबक सीखने की बात। अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दावा, परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान, सुषमा स्वराज ने मुझे बताया था। नेपाल संसद के सामने आत्मदाह की कोशिश, प्रधानमंत्री के संसद से निकलते शख्स ने खुद पर डीजल छिड़का लगाई आग। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 7,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है, यूएन का दावा 18,000 लोग हताहत हुए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर अमेरिका का जवाब का, भारत से हमारे गहरे रिश्ते, ब्रिटिश पीएम सुनक भी मोदी का पक्ष ले चुके। अंटार्कटिका में 150 मीटर मोटी बर्फ का हिस्सा टूटा, इसका आकार लंदन के बराबर, 2 साल में दूसरी घटना। जंग के बीच भ्रष्टाचार में घिरा यूक्रेन, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा, सैनिकों के लिए खरीदे खाने में घोटाले के आरोप। दोगुना हुआ मारुति सुजुकी का प्रॉफिट, कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 4.65 लाख गाड़ियां बेची। जियो ने 50 और शहरों में शुरू की 5G सर्विस, अब देश के 17 राज्यों के 184 शहरों में जियो 5G। सोना फिर ऑल टाइम हाई, 57,362 रुपए पर पहुंचा, साल के आखिर तक 64,000 रुपए तक जा सकती है कीमत। मेड इन इंडिया ओएस पर चलेंगे मोबाइल, नहीं मिलेंगे कोई डिफॉल्ट ऐप, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। जेम्स ज्वेलरी के चेयरमैन विपुल शाह का बयान, बोले गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम पर आया तो शुल्क कम होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले चुनौतियों के बावजूद 300 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा सेवाओं का निर्यात। नए साल में 14 स्टार्टअप ने की 2100 से ज्यादा की छटनी, फंड की कमी को बनाया गया आधार। उड़ान के दौरान शराब परोसने की नीति में संशोधन, बदसलूकी की घटनाओं के बीच एयर इंडिया का अहम कदम। सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर लगा 24 करोड़ का जुर्माना, सब्डिकेट कंपनी से फंड हेराफेरी का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की मुंबई की अदालत में पेश हुई अगली सुनवाई 27 फरवरी को। अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, ग्रुप पॉइंट टेबल के टॉप पर, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकता है मुकाबला। पांच फरवरी को दिल्ली से होगी हिंदयान शुरू, टूर ट्रिफॉन्स तर्ज पर भारत में हो रही मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंतिम चार में पहली बार पहुंची रायबकीना, रायबकीना ने लतवैया की सेलेना के लगातार सेट में हराया।
धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की तैयारियां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरा मैच 1 मार्च से। शार्दुल को जादूगर कहते हैं खिलाड़ी, इंदौर में जीत के बाद कप्तान रोहित ने किया खुलासा। वनडे में भी नंबर वन बना भारत, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराए, कीवियों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में रिकॉर्ड का सिक्सर, गिल ने तोड़ा इमाम हुल का रिकॉर्ड, रोहित ने की पोटिंग के बराबरी। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में 2 भारतीय, श्रेयस और सिराज को मिली जगह, विमेंस टीम में भारत के 3 खिलाड़ी। मोहम्मद आमिर के पास वापसी का मौका, पीसीबी चेयरमैन सेठी ने कहा अगर रिटायरमेंट वापस लेते तो नेशनल टीम के दरवाजे खुले। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में सानिया बोपन्ना की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिला वाकओवर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान ने बजाया सितार, सारेगामा पलिटी चैंप में किया परफॉर्म। बेटे गोला के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई भारती सिंह, फैंस ने कहा ये तैमूर से भी ज्यादा सुंदर है। उर्फी जावेद को मुंबई में नहीं मिल रहा किराए का घर, बोली मेरे धर्म और कपड़ों की वजह से कोई घर देने को तैयार नहीं। शालिन चोपड़ा मामले में राखी सावंत ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी पर बढ़ी रोक। शाहरुख खान के पठान ने एक और रिकॉर्ड किया अपने नाम, 100 से ज्यादा देशों में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। आरआर का गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री भी अवार्ड की दौड़ में। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की नो फिल्टर फोटोज, मलाइका अरोड़ा ने व्हाइट आउटफिट में कराया ग्लैमरस फोटोशूट। शहजादा का दूसरा गाना छेड़खानिया हुआ रिलीज, कार्तिक प्रीति की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री, मनीषा कोइराला भी नजर आई। साउथ एक्टर सुधीर वर्मा ने की आत्महत्या, 10 जनवरी को जहर खाया था, इलाज के दौरान हुई मौत, काम न मिल पाने से थे डिप्रेशन में। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, जिम में किया बेली डांस, फैंस बोले आपकी उम्र बढ़ेगी 25 या रहेगी। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।